वहाँ नहीं जाते हैं यार, करंट लग जाएगा बेबी छूले कहीं। उसने आप सुन लिया होगा भगवान ने मेरी। चिपक जाओगी उसी में, तो भगवान सुन लेगा तुम्हारी, ऊपर ही उठा लेगा तुम्हें। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। ठीक है जा रहे, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े, आपका मुंह दिखने के लिए मेरे से काम नहीं रह गया है। इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है जिसकी कोई हद नहीं, पसीना जैसा रुकता ही नहीं है। तो आज मैंने खाने में खाना नहीं बनाया, मतलब खाना बनाया बट खिचड़ी बनाया। ये खिचड़ी बनाया है और इसका सबूत ये है, इसमें देखो काली वाली दाल लगी हुई है और ये चावल भी लगा हुआ है और चटनी बनाया। इतनी और गर्मी हो रही, कौन बना, देखो पसीना ही नहीं रुक रहा है। उन दोनों को देखो पीछे से कैसे खेल रहे, आवाज आ रही है मोटा मोटी को। ये देखो मस्त यहाँ ऐसी हाई कूलिंग ऐसी चल रही है, देखो। और हम यहाँ हाई कूलिंग, हमारे वहाँ हाई हॉटिंग हो रही है, पता पसीना देख रहे मेरे फेस पे कैसे आ रहा है, कुछ रियलाइज होता है। और इनके तो एक ये है, दिन भर घर में रहेंगे एसी एसी, कार में जाएंगे एसी, ऑफिस जाएंगे इतनी एसी हाई रहती है कि हाफ शर्ट नहीं पहन के जाते, फुल पहन के जाते, बोलते बड़ी ठंडी लगती है ऑफिस में, स्कूल बोलने जा रहे थे। और एक ये उनसे महान एक ये हमारे घर आई है, इनको तो बाहर वाले रूम में कूलर चला दो, रहना ही नहीं इसी रूम में, रहना एसी के बिना, किसी के घर जाएगी वहां भी नहीं रुकेगी। बहुत कलाकार है दोनों, हम तो परेशान हो गए इन दोनों से। हम लोग सोचो कैसे कैसे किचन में रहते हैं पूरा पूरा साल के 12 महीने डेली। कॉस्ट लाइट चली जाए ना पूरे दिन के लिए चली जाए, हम तो रह लेंगे, आप लोग कैसे रहोगे अपना देखो। हम भी रह लेंगे। अच्छा रह लेंगे, लाइट जाएगी ही क्यों, बाबू कह रहे हैं हम दिल्ली में रहते हैं बेटू। हाँ देखो लाइट गाँव में जाती है, इतरा रहे ना कि लाइट दिल्ली में नहीं जाती और ये वो। तो मैं अभी ना इनके ऊपर एक छोटा सा प्रैंक करूंगी कि लाइट जो यहाँ पे MCB है ना लगी हुई है, मैं उसको गिरा दूंगी, बट अभी नहीं क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला हुआ है कि लाइट कास्ट चली जाए, तो मैं अगर अभी बंद कर दूंगी ना MCB गिरा दूंगी तो इनको पता चल जाएगा कि मैंने कुछ किया हुआ, इसलिए अभी नहीं, काफ़ी देर के बाद मैं गिरा दूंगी इसके MCB को, फिर लाइट चली जाएगी तब देखेंगे ये लोग क्या करेंगे। क्योंकि मैं रह लेती हूँ, मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं होता, हाँ से फैन वगैरह कर लेती हूँ, मैनेज हो जाता, ये नहीं रह पाते क्योंकि ये लोग हस्बैंड जैसे दिन भर ऑफिस में रहते हैं ना ठंडी ठंडी में पूरा, फिर कार में रहते फिर घर में रहते, तो इनको ना पसीना बहुत ज़्यादा आता है, और जब टहलने जाते हम लोग तब भी इनको बहुत पसीना, तो और किसी फ्रेंड्स को नहीं आता। ओके ठंडा। और बेबी की भी आदत हो गई है कि ठंडी में ही रहने की। तो चलो अभी प्रैंक करूँगी, पानी दे देती हूँ उनको जाके। लो खिचड़ी बना दे यार, खा लो ठंडी हो जाएगी। लो ठंडी हो जाएगी, खिचड़ी दे दूँ अभी खा लेंगे। खिचड़ी क्या बनाई आज, कोई खाने का नाम ही नहीं ले रहा है, खेली खेली कर रहा है। ओके चलो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, फिर प्रैंक करूँगी, अभी देखते हैं कितने टाइम के बाद, क्योंकि अभी नहीं कर सकते ना, उनको पता चल जाएगा। अभी थोड़ी देर हो गई है और मतलब लगभग 15-20 मिनट हो गए, मैंने थोड़ा सा बाल वाल भी सही कर लिए, खींच लिए ना, कॉम नहीं किए थे कल से, और ये दोनों खेल रहे, मैंने आप लोगों को दिखाया ना। और अब मैं सोच रही हूँ कि यहाँ से हम सीवी सी गिरा देती हूँ, और आज बेलन का कुछ काम नहीं हुआ, रोटी नहीं बनाई ना मैंने घर में, मेरी बेबी की निककर नहीं सूखती तो मैं इधर उधर टांग देती किचन में आ गई। मैं सोच रही हूँ बेलन से रोटियाँ नहीं बनाई तो जो बेलन का थोड़ा यूज़ कर लेती पहले, तो बालों पीछे करूँ मुँह पे आ रहे। चलो इससे गिराऊंगी MCB, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है इलेक्ट्रिक की चीज़ों से। दे आर बिजी इन प्लेइंग सो लेट्स डू इट। स्लीपर मिला नहीं, इस पर खड़ी होकर करूँगी मैं। ये क्या हो गया बेटू यार? मैंने गिरा दिया, चलो चलते हैं यार। लाइट भी अभी चली गई, गुस्सा लग रही है। अभी बाल बस मैंने खींचे थे, सोचा था थोड़ा सा रेस्ट करूंगी आके। यहाँ बाबू लाइट चली गई, बेडशीट भी बिछानी थी यहाँ पे यार, आप यहाँ खेल रहे थे बेडशीट ही बिछा देते। लाइट चली गई है, कितनी गर्मी लग रही ना, गर्मी हो ही रही है। लाइट कैसे चली गई यार, मुझे क्या क्या खा के तुमने आई थी जो आज बोला कि तो थोड़ी देर बैठो ना इसी रूम में, अब कहाँ है, चली गई, यही बैठो ना थोड़ी देर, कहाँ जा रहे हो, वहाँ क्या गर्मी लग रही, थोड़ा सा टहलते हैं। एमिना बेबी ये लो, ये लो एक आइडिया आई एम हैविंग, ये देखो देसी जुगाड़ है।
ये मेरा भतीजा लाया था, मैंने उससे मंगाया था। ये कितनी खुशी जाती है। इसे करो, हाथों की एक्सरसाइज भी होगी, हवा भी लगेगी दोनों की। क्या लाइट गई है क्या सच में? और क्या, क्यों उधर से कहां से पता चला कि आ रही कि नहीं आ रही है? एसी चल रही है इधर लोगों की? कहां चल रही है? तो आवाजें आ रही हैं एसी की चल रही हैं। बाहर कहां जा रहे यार? बाहर तो और धूप है, पूरा गर्मी हो रही है। दो यार थोड़ा सा, वहां तो और गर्म हो रही है, कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं। हां बेटू देखो ये कितना ज्यादा परेशान हो रहे हैं। कौन है? अच्छा वो बनाने आए हो, वो जो क्या ऊपर जाना है ना बनाने? नहीं बना दिया। अच्छा। बल्कि आपको बोलने आए। अच्छा अच्छा, क्या बोल रहा? उसके साइड साइड में ना मसाला लगा के आ गए। अच्छा अच्छा, टूटा हुआ है ना साइड साइड के गैप से नीचे आ गया। अच्छा अच्छा, बन गया। वो एक्चुअली मेरे घर में सीलन आ रही थी ना, तो ऊपर से आ रही थी, तो उनके वहाँ प्लास्टर करने के लिए आया, तो वो इन्फॉर्म करने के लिए आया थी कि बना दिया, आप शायद नहीं आएगा आपके घर। सच में यार बहुत गर्मी लग रही है, कितना परेशान हो रहे हैं। हेलो यार, लाइट आ रही है क्या? अच्छा यार मेरे यहाँ पता नहीं चली गई यार, क्या चक्कर है? चलो बेबी फोन ना छीन ले, नीचे जाके कहीं एमसीबी वगैरह तो नहीं गिर गई? हाँ यार देखो बहुत गर्मी लग रही सच में। क्या मोबाइल ले ली इधर उधर घूम रही हो यार? मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ। व्लॉगिंग मींस थोड़ा सा कि सारे मोमेंट्स को कैप्चर करना। पकड़ो इसको, देखे जरा कि कहाँ क्या हुआ है। अरे लो ना इसको करो। सबकी ऐसी चल रही है क्या? थोड़ा सा इसीलिए मैं हमेशा उसको कितना मजा आ रहा है, इसीलिए मैं बोलती रहती हूँ हमेशा हैबिट डालो बिना एसी में भी या पंखा में रहने की। वहां कहां जा रहे हो बेबी को छू बेबी को पकड़ के? वहां नहीं जाते हैं यार, करंट लग जाएगा बेबी छूले कहीं। एमसीबी वगैरह गिरी लग रही है यार ये तो। मुझे क्या पता, ऊपर को रहती है तभी तो है। इनको कैसे पता चल गया कि एमसीबी गिर गई? इतना दिमाग लगा रहा, क्या पता वो उठी है, वो कुछ गड़बड़ हो गया हो। क्या उठी उठी है? पड़ी रहेगी तब तो। क्या लाए हो बता है? पे बैठो ठीक है, लाइट देखते हैं बेटू आएगी कि नहीं आएगी बेटू, ठीक है? हमारे घर के सब बर्तन इधर उधर खेले जाते, देख लो इनकी। अरे उसके पीछे क्यों पड़े हो पता नहीं, सारी तो उठी पड़ी हुई है ऐसे ही। ये शायद एमसीबी कैसे गिर गई यार? हमको क्या पता, अपने आप गिर गई हो, कुछ हो गया होगा। ए वो देखो देखो देखो, हमारी फुटमैट। अपने आप कैसे गिर गई? तुमने तो नहीं कुछ कर रखा था उसमें, गिरा रखा हो? हाँ बोल रही थी तभी कि जो है लाइट चली जाए। तो लाइट चली जाए मतलब अपने मन से जाए, हम क्यों करेंगे उसमें? आप लोगों को इतना धोखा देंगे इतनी गर्मी में? 48 डिग्री टेम्परेचर हो जाके बिजली उजली वाले में यार। मैं मजाक नहीं कर रही थी, मैं नहीं कर रही हूँ, शायद अपने आप सुन लिया होगा भगवान ने मेरी। चिपक जाओगी उसी में तो भगवान सुन लेगा तुम्हारी, तो ऊपर ही उठा लेगा तुम्हें। गिराया था क्या? नहीं हम क्यों करेंगे, हम आप लोगों से प्यार नहीं करते, जानबूझ के सवाल करते करेंगे। जानबूझ आपको तो पता ही, मैं इलेक्ट्रिक चीजों से कितना डरती हूँ मैं, वहाँ तार तो छूती नहीं हूँ अगर कुछ होता है। चुप रहो, पता नहीं जो है कहाँ कहाँ से दिमाग लगाती रहती है। तो मैं अच्छा लो अब ऐसे चला देती हूँ, तो चल रही है ऑटोमेटिक, चल रही बे। अरे यार चल ही रही है। हाँ यार बाबू। अरे मजाक कर रही थी मैं, आप लोग ना बिल्कुल रहते ही नहीं हो बिना पंखा एसी के। तो बेरो हम लोग किचन में रहते हैं, बताओ कैसे रहते होंगे बताओ, कितनी ज्यादा गर्मी लगती है वहाँ पे। आप लोग तो थोड़ी देर भी नहीं रह सकते। एमसीबी गिराने की क्या जरूरत थी? तो फिर आप ऐसे समझते कहाँ कि जो है समझते कहाँ, रियलाइज कैसे होता तो? इससे ज्यादा गर्मी किचन में लगती तो बताओ लेडीज कितनी गर्मी लगती है। ओनली वी कैन अंडरस्टैंड दैट गर्मी, इन लोगों को नहीं पता चलेगा इसीलिए ना। इनको जरा कितना दिमाग लगाती है। चलो निकलो यहाँ से। क्यों निकलू, गर्मी लग रही है, मैं अब यहीं रहूंगी। एसी भी हटो, चलो भागो। ठीक है चला लो, और सब कूलर रख दिया के इसी रूम में, रह लो कर लो। मैं प्रैंक कर रही थी यार, छोटा सा मजाक कर रही थी, छोटा सा मजाक। कम से कम आपको पता तो चला ना इसी बहाने कि हम लोगों को कितनी गर्मी लगती हो रही। चलो निकलो यहाँ से जल्दी। ठीक है जा रही, मेरे पास बहुत सारे काम पड़े, आपका मुंह देखने के लिए मेरे से काम नहीं रह गया है। आराम से बाबू के साथ हम खेली खेली कर रहे थे अपने। ठीक है बाय, चलो भाग गए, कंटिन्यू करते हैं। हम जाते हैं किचन में, कंटिन्यू करते हैं बर्तन लगाते हैं। मैंने छोटे से प्रैंक कर लिया है उनके ऊपर, और मुझे लग रहा ना देखो अभी आप लोगों को शायद आवाज आएगी, आई ना?
ये यहाँ पे जब आके खड़े हो गए ना, फिर बाहर से बहुत आवाज आ रही थी, क्योंकि सबकी पंखा जो एसी का बाहर साइड को ही लगा हुआ है, तो इसी वजह से उन्होंने सुन लिया ना कि सबके यहाँ चल रहा, हमारे यहाँ क्यों नहीं चल रहा, तो इनको शायद लगा सबके यहाँ आ रही तो हमारे यहाँ क्यों नहीं आ रही, इसकी वजह से ये चेक करने लगे। देखो जैसे तो मेरा प्लान तो फ्लॉप हो गया। ओके कोई बात नहीं, हमारा तो काम ही है किचन में रहना, काम करना। सो आई एम गोइंग, एंड आप लोग भी अपना काम करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।